उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या के थाना खंड के रामपद स्थित नियावत क्षेत्र में स्पा एंड सैलून खोलकर उसके आड़ में अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा था। यही नहीं, स्पा सेंटर के बोर्ड पर भगवान राम की तस्वीर भी लगाई गई है। रिसेप्शन पर बैठी संचालिका ने इस बात की पुष्टि की 2500 रुपए अलग चार्ज होगा तो अलग तरह की बॉडी मसाज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनैतिक कार्य के लिए भी अतिरिक्त चार्ज देय होगा। सूचना मिलने पर कैंट पुलिस ने छापा मारा, लेकिन तब तक सभी संचालक फरार हो चुके थे। वहीं अयोध्या एएसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि कैंट थाना क्षेत्र के नियावा में एक स्पा एंड सैलून की आड़ में अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिली। इसकी पुष्टि भी हुई है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। साक्ष्य के आधार पर स्पा सेंटर के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्पा सेंटर को सील कर दिया गया है। विवेचना के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण थाना कोतवाली कैंट का है। यहाँ पे गोल्डन डोर स्पा एंड मसाज सेंटर दीप कॉम्प्लेक्स में चल रहा था और ये जानकारी आई थी कि यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज लेकर कुछ अनैतिक काम इस स्पा सेंटर द्वारा किया जा रहा है। इस पर थाना कोतवाली कैंट की पुलिस द्वारा जांच की गई और जांच के क्रम में प्रथम दृष्टया मामला सत्य पाए जाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना से जो तथ्य आएंगे। अयोध्या से जनमत न्यूज के लिए आजम खान की रिपोर्ट।